LTS में, और अगर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था, अरबपति बनने का सॉलिड फॉर्मूला, शेयर बाज़ार में कोई ऐसी बातें नहीं बताता। बहुत आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और इतने कॉमेंट्स आए। उस कॉमेंट्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल थी, जैसे कि किसी ने कहा कि सर विप्रो का मैंने एक उदाहरण दिया था एक्चुअली उस वीडियो में, कि विप्रो ने कितने सालों में बोनस के माध्यम से, डिविडेंड के माध्यम से कितना पैसा बना दिया है। तो लोगों ने कहा था कि विप्रो जैसी कोई और कंपनी बनाइए, क्योंकि ये तो हो चुकी। भाई देखिए, विप्रो कंपनी का फिर मैंने रिप्लाई भी किया था कि विप्रो कंपनी अभी ख़त्म नहीं हो गई है। दूसरी चीज़, चलिए मैं आज ऑटो इंसल्वरीज की एक कंपनी मैंने चूज़ की है, उसके बारे में एक न्यूज़ भी प्रकाशित हुई है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने पढ़ दूंगा, ताकि आपको लगे, थोड़ा सा जोश आ जाए, एनर्जी आ जाए कि अगर हम किसी अच्छी कंपनी में, गुड क्वालिटी कंपनी में लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो हमें ज़रूर रिटर्न मिलता है। तो आइए बातचीत करते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई खरीदारी की सलाह नहीं, एक कंपनी के बारे में सिर्फ चर्चा है, एजुकेशनल पर्पस से इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। तो पहले मैं न्यूज़ पढ़ दूंगा, फिर हम कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स में बात करते हैं। मदरसन सुमी 25,000 को बना दिया 4,25,41,00,000 रुपए का, डिविडेंड भी दिया। ऑटो सेक्टर की कंपनी मदरसन सुमी आज से ठीक 26 साल पहले शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। उस समय इस कंपनी के जिसने 1,000 शेयर्स खरीद लिए थे, आज वो करोड़पति है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 25,000 रुपए उस समय लगाए होंगे तो उनको 1,000 शेयर्स मिले थे और 41,00,000 रुपए का डिविडेंड। देश में जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, मदरसन सुमी इन कंपनियों के पुर्जों का उत्पादन करती है। ये कंपनी लगभग देश की हर कार के लिए कोई ना कोई पुर्जा ज़रूर बनाती है, ये इनका ये कहना। यही कारण है कि ये कंपनी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज इस कंपनी की लिस्टिंग के 26 साल, आज यानी कि आज तो 11 सितंबर है, आज वीडियो बन रहा है, लेकिन 9 सितंबर की खबर है। 9 सितंबर 1993 को लिस्ट हुई थी मदरसन सुमी, देश के शेयर बाजार में लिस्टिंग से ठीक 26 साल पहले। इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 है। हम फेस वैल्यू, मुझे लगता है कम होगी, हम आगे देख लेंगे। कंपनी ने यह शेयर लोगों को 25 रुपए पर दिया था। मदरसन सुमी के शेयर ने लिस्टिंग वाले ही दिन अपने निवेशकों का पैसा करीब दोगुना कर दिया था। 25 रुपए का यह शेयर 41 रुपए पर लिस्ट हुआ था। अगर इस प्रकार किसी ने 1993 में इस कंपनी के 25,000 रुपए का निवेश करके 1,000 शेयर खरीदे होंगे तो आज उनकी वैल्यू 4,25,00,000 रुपए है। इस वैल्यू में 41,00,000 का डिविडेंड भी शामिल है। मदरसन सुमी 9 बार दे चुकी है बोनस। मदरसन सुमी अपने लिस्टिंग वाले दिन, यानी अब तक पिछले 26 साल में 9 बार बोनस शेयर के रूप में दे चुकी है। कंपनी बोनस शेयर देने में काफ़ी उदार रही है। अगर किसी ने इस कंपनी की लिस्टिंग वाले ही दिन 25,000 रुपए में 1,000 शेयर खरीदे होंगे तो उनकी संख्या बढ़कर आज 3,84,000 शेयर्स हो गई है। इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई थी। तो बाकी चीज़ें हमने मेन बता दी, लेकिन अब देखते हैं कुछ फंडामेंटल्स हम कंपनी के बारे में और डिटेल्स में। Establish in 1986 is the flagship company of the Madarsan Group. Madarsan Sumi Systems Limited is a joint venture between Samvardhana Madarsan International Limited, India and Sumitomo Wiring Systems Limited, Japan. Madarsan Sumi Systems Limited is focused, dynamic and progressive company providing customers with innovative and value-added products, services and solutions to collaboration with Tokai Electric Company. Skip karte hain, thoda aur aage badhte hain. इनका जो व्यापार है, द कंपनी हैज इवॉल्व इनटू द फुल सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग एंड कैटर्स टू डाइवर्स रेंज ऑफ कस्टमर्स अक्रॉस एशिया, यूरोप, द अमेरिकास, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका थ्रू इट्स फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस 41 कंट्रीज। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड इज टुडे वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वायरिंग हार्नेसेस फॉर कमर्शियल व्हीकल्स एंड रियर व्यू मिरर फॉर पैसेंजर कार्स इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेसेस and mirrors for passenger cars. It is also a leading supplier of plastic modules and components in Europe and India. Madarsan Sumi System Limited is currently at the largest auto ancillaries in India and among the 550 companies of India by Forbes magazine. It has also been ranked number one auto ancillaries in India for 7 consecutive years by Fortune India 500. एनीवेज, कुछ और स्किप करते हैं, अभी आपको मालूम पड़ेगा 41 कंट्रीज़ में। अगर हम साल दर साल देखिए, कोई कंपनी है तो उसका मैनेजमेंट, उसका जो बोर्ड किस प्रकार से कंपनी को आगे ले जाता है, जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी स्टॉक या कोई शेयर खरीद रहे हैं कंपनी का, तो उसके पहले आप कंपनी के बारे में जाने, उसके कंपनी क्या करती, प्रोडक्ट के बारे में जाने, पुर्जे के बारे में जाने, और 1,000 बार सोचे। अगर आपको लंबे समय के लिए कोई पैसा निवेश करना है तो 1,000 बार सोचे। 1,000 बार सोचने के बाद आप एक डिसीजन लें कि ना या हाँ, अगर हाँ तो पूरा जानना ज़रूरी है। मदरसन फाउंडेड 1975,
1977, first cable factory start. 1983, technical agreement with Tokai Electric Company, now Sumitomo Wiring System, Japan. 1986, established of Motherson Sumi Systems Limited in joint venture and Sumitomo Wiring Systems Limited, Japan. 1993, Motherson Sumi Systems Limited listed on a stock exchange in India. 1999, first overseas office established in Austria. In 2010, representative office at Singapore. In 2002, acquisition of assets of Wexford Electronics and manufacturing of wiring harnesses for materials handling and earth moving equipment. 2002 mein hi establishment of design center in Ireland. In 2003, offices in USA and UK established tool room at Sharjah. In 2004, European headquarters established in Germany. 2009, acquisition of rear view mirror businesses of Vision Corp. The company is now known as Sambardhana Motherson Reflectech. तो इस तरीके से 2011, 2014, 2017, 2018, 2019 में ये लगातार देखिए तो एक्विजिशन, जो कंपनियों का अधिग्रहण, जो कंपनी खरीदती गई, मदरसन सुमी इतनी कंपनियों खरीदी, कम से कम 50 के आसपास हो गए हैं। तो देखिए, अगर कंपनी के पास कैश फ्लो या रिजर्व्स अच्छे हैं, तभी कंपनी ये व्यापार को अपना बढ़ा रही है, एक्सपेंशन कर रही है और दुनिया भर के अलग अलग देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों को ये जो है खरीदती जा रही है। बिजनेस पोर्टफोलियो, द प्रोडक्ट रेंज ऑफ मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड कंपनीज ऑफ वायरिंग हार्नेसेस, रियर व्यू मिरर्स, मॉडल्ड प्लास्टिक पार्ट्स इंक्लूडिंग कार इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट्स, बम्पर्स, डैशबोर्ड्स एंड डोर ट्रिम्स, कंप्लीट मॉडल्स, रबर कंपोनेंट्स एंड ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, हाई प्रिसीजन मशीन मेटल पार्ट्स एंड इंजेक्शन मॉडल्स, मॉडलिंग टूल्स। तो इस तरीके से कंपनी का जो व्यापार है, साल दर साल कंपनियों को खरीदती गई और अपने निवेशकों को इसमें मालामाल बनाती गई। न्यूज़ पढ़ चुके हैं आपके सामने, अब कुछ फंडामेंटल में हम ब्रीफ में देखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। देखिए, आज है 11 सितंबर 2019, आज 103 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और ग्रीन पे है। एक साल पहले जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 47% का लॉस है, नुकसान हो रहा है। सिक्स मंथ जिन्होंने पैसे पहले लगाए थे उनको 39% के ज़्यादा के नुकसान है और मार्केट कैप है 31,342, यानी कि 31,342 करोड़ की, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी है। जिस हिसाब से इसका प्राइस है और इसकी जो अर्निंग पर शेयर है 4.91, उस हिसाब से पी रेशियो इसका निकल के आता है 20.22, प्राइस टू बुक है 3.01, डिलीवरी इसकी 39 के आसपास है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और अगर हम इनके जो है 5 सालों के रिटर्न भी देख लेते हैं, मान लीजिए कि 60 मंथ में अगर आपने 1,00,000 रुपए लगाए होते लमसम, चलिए अभी यहाँ पे बफर हो रहा है, एनीवेज हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। हाँ, हम यहाँ पे आ चुके हैं मनी कंट्रोल की साइड पे और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब प्रमोटर्स के पास, उसमें से कितने शेयर्स गिरवी हैं। अगर गिरवी का नंबर्स देखा जाए तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे नेम ऑफ शेयर होल्डर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, इनके पास करीब इतने शेयर्स हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और टोटल जो शेयर का प्रतिशत है उसमें 33.43 का इनके पास होल्डिंग है, जिसमें से 6.87% इन्होंने प्लेस्ड किए हुए हैं। तो ये थोड़ी सी एक चिंता का विषय है, लेकिन 6.87% अगर हो सकता है कंपनी को लिक्विडिटी कमी हो, थोड़ी सी कुछ पैसे की ज़रूरत हो, ने रख दी है गिरवी, तो बहुत बड़ा गिरवी का ऐसा रेशियो नहीं है यहाँ पे, तो ये एक थोड़ा सा राहत वाली बात है। लेकिन थोड़ी सी गिरवी है तो चिंताजनक है, अगर आगे भी ऐसी गिरवी रखते गए थोड़ा सा फिर सोचना पड़ेगा इस पर। और अगर हम और कुछ 4 क्वार्टर के अगर हम देख लें, थोड़ा सा इतनी कुकीज़ यहाँ पे, इतने एडवर्टीजमेंट्स भरे पड़े हैं, विज्ञापन है यहाँ पे वेबसाइट पे कि पेज खुलने में मशक्क़त हो रही है। तो फाइनेंशियल में अगर हम यहाँ पे चलते हैं और खुल जा भाई, ओके, हाँ देखिए, अगर हम सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, यानी 4 क्वार्टर पिछले हम देख लेते हैं, तो सितंबर 18 में जो 1950 की नेट सेल्स हुई थी, हम कंसोलिडेटेड देख लेते हैं, सितंबर
18 में 14,853 की जो थी नेट सेल्स, दिसंबर 18 में हो गई 16,000 यानी कि बढ़कर हुई, मार्च 19 में 16,900 यानी फिर यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन जून 19 में यहाँ पे 16,500 थोड़ी सी डाउन साइड है क्वार्टरली। इसी प्रकार अगर हम नेट प्रॉफिट में चलते हैं तो सितंबर 18 में 469 करोड़, बढ़कर हुआ दिसंबर 18 में 525 करोड़, मार्च 19 में फिर घट के हो गया 408 करोड़ जो कि काफ़ी डाउन साइड है, और अगेन यहाँ पे जून 19 में 339 यहाँ पे नेट प्रॉफिट रहा, तो काफ़ी थोड़ी सी डाउन साइड है। तो इस प्रकार से और इनके पास जो कंसोलिडेटेड हम देख रहे हैं ओवरऑल जितना भी इनका बिजनेस है, जितनी भी इनकी सब्सिडीज, यहाँ भी इनकी होल्डिंग्स है, वो हम सारा देख रहे हैं, तो यहाँ पे कर्जा जो इनके पास डेट है 10,942 का यानी 10,000 करोड़ के आसपास का इनके पास कर्जा, और इनके पास टोटल असेट्स हैं 25,385 करोड़ के आसपास। तो ये रही, और प्रमोटर्स के जो होल्डिंग है वो भी हम देख लेते हैं, गिरवी तो इन्होंने 6% के आसपास रखे हैं। देखिए प्रमोटर्स के पास है 61.73% की, तो 60% से ज़्यादा की होल्डिंग है तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, लेकिन थोड़ी सी गिरवी रखा हुआ इन्होंने, हमने देख ही चुके हैं। और म्यूचुअल फंड्स की इसमें काफ़ी स्कीम्स हैं, जैसे कि ICICI प्रोडेंशियल बैलेंस्ड एडवांस फंड, ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म, ऐसे कई सारे जो है इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ने पैसे लगा रखे हैं। और कुछ वर्षों का भी अगर हम देख लेते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड, तो यहाँ पे 2008 जो फाइनेंशियल ईयर एंड ईयर होता है मार्च से, अगर हम साल दर साल देखते हैं तो नेट सेल्स में ग्रोथ दिख रही है और कंसिस्टेंट ग्रोथ है, फिर लगातार ग्रोथ दिख रही है हमें, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है मार्च 19 के बाद भी। इसी प्रकार नेट प्रॉफिट में अगर देखते हैं तो जहाँ मार्च 2008 में थी 178 करोड़ की, वहीं थोड़ी सी डाउन हुई 176 करोड़ की अगले साल, फिर ग्रोथ डबल हुआ करीब 243 हो गए। इस प्रकार से 2012 में फिर यहाँ पे डाउन साइड हो गया, लेकिन फिर लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ है और कंटिन्यूस ग्रोथ है, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 1550 का यहाँ पे दिखा रहा है नेट प्रॉफिट। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तीन सालों का, तो एक 19.51% है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 7.99 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो 18.96% की यहाँ पे ग्रोथ है। अगर इनके पास रिजर्व हम देख लें, कर्जा तो हम लोग देख लिया, देखिए बोरोविंग्स हमने वहाँ पे ही देख लिया था 11,000 समथिंग, और रिजर्व भी इनके पास 10,000 करोड़ के आसपास है, इसीलिए ये कंपनियों को खरीदते भी खरीदते जा रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अगर रिजर्व्स भी इनके पास है और कर्जा भी है तो बहुत ज़्यादा ऐसा थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, क्योंकि कर्जा तो कर्जा है। अब इस पे आते हैं कि ये तो रहे फंडामेंटल बेसिक चीज़ें हमने देख ली इसके बारे में, जो इसका पास्ट जब से लिस्ट हुई तब से हमने देख लिया। अब हमें ऐसी कंपनी को देखिए, 5 सालों में भी यहाँ पे 10% के आसपास का लॉस है, लेकिन 10 सालों में ज़रूर 600-700% की रिटर्न है, ऐसा मेरा अनुमान है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले देखा था, वो भी हम देख सकते हैं। तो बेहतरीन कंपनी है, थी प्रोडक्ट वाइज, लेकिन सोचने वाली बात है कि पूरा ऑटो सेक्टर जो है अभी सोया हुआ है, चरमराया हुआ है, ज़बरदस्त पिटाई हुई है, तो उठ नहीं पा रहा है। उसी वजह से जो ऑटो एंसुलरीज इनकी कंपनी है, जो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, यही नहीं चाहे मिंडा इंडस्ट्री हो, चाहे जमुना ऑटो इंडस्ट्री हो, और हर अपनी जो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी, सबकी अपनी स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ वो माहिर हैं अपने प्रोडक्ट बनाने में, और उनके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है पेटेंट हैं उनके पास खुद के। तो इस वजह से जो मदरसन सूमी है, इसमें हमें यही सोचना चाहिए, यहाँ पे खरीदने की बिल्कुल सलाह नहीं, आप अपने खुद के सूझबूझ से या फाइनेंशियल एडवाइज़र के माध्यम से डिसीजन ले सकते हैं। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। अगर मैं होता क्या करता इस कंपनी में, तो देखिए सिंपल सी बात है, क्या आपको लगता है कि भारत अभी विकसित देश हो चुका है, अभी डेवलप्ड कंट्री बन चुका है? नहीं, भारत में अभी बहुत विकास होना बाकी है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर्स अभी जागेगा, उठेगा, भागेगा, लेकिन कब, इसमें समय लग सकता है। जिनके पास बहुत लंबा समय है, जिनको लगता है कि 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, वही लोग इसमें जो है थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, 100 रुपए में 10 रुपए खरीदें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आपके सुझावों का स्वागत रहेगा, कॉमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा।